हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 21 मार्च, 21 मार्च से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। 2018 से अब तक दिल्ली जो है 4 बार रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, स्विट्जरलैंड के एक संगठन IQAir द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है प्रतिवर्ष। और जैसे कि मैंने कहा, साल 2018 से अभी तक 4 बार जो है दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। भारत का औसत वार्षिक पीएम, यहाँ पे पीएम जो है किसको डिनोट कर रहा है, पार्टिकल्स फाउंड इन एयर, यानी कि एयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, डर्ट है या फिर स्मोक है, लिक्विड है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको डिनोट करते हैं पीएम में। पीएम का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो भारत का औसत वार्षिक पीएम जो है 2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, ठीक है। तो यह जो है फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या फिर कितना था भारत का औसत वार्षिक पीएम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह जो है ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बांग्लादेश दुनिया में सबसे प्रदूषित देश रहा है, उसके बाद दूसरा है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे है भारत, ठीक है। टॉप 5 देश हैं, ठीक है, यानी कि टॉप 5 देश हैं जिसका जो है सबसे खराब वायु है, ठीक है, खराब एयर पॉल्यूटेड वाला जो देश है। 5 हैं टॉप 5, कौन कौन से, बांग्लादेश है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा भारत है और चौथा है तजिकिस्तान और पांचवें नंबर पे है बुर्किन फासो। यह जो है इम्पोर्टेंट जो है याद रखना, ठीक है। तो भारत जो है 134 देशों में से तीसरा सबसे खराब वायु वाला गुणवत्ता वाला देश बन गया है और बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र का जो है करार दिया गया है। और दुनिया के शीर्ष 11 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 जो है वो भारत के ही हैं, ठीक है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को बढ़ाने के लिए त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर निर्धारित है और टाइगर ट्राइब का पहला संस्करण जो है 2019 में किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? देखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं, ठीक है। तो वज्र प्रहार है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास, और अभ्यास तर्कस, कोप इंडिया, मालाबार युद्ध अभ्यास जो कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, कौन सा, मालाबार युद्ध अभ्यास। अन्य प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैत्री युद्ध अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। अभ्यास अतुल्य जो है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास जो है भारत और मालदीव श्रीलंका के बीच जो है आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, और क्यूवेरियन जो है भारत और मालदीव के बीच, और नोमिडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है, और डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है, और खंजर युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो योर कैंडिडेट, ठीक है। यह जो है ऐप
लॉन्च किया गया है। नो योर कैंडिडेट यानी कि केवाईसी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है चुनाव आयोग के अंतर्गत, ऐसे पूछा जाए तो आप केवाईसी में कंफ्यूज मत होना। केवाईसी जो है बैंकिंग में भी यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, ठीक है, जो बैंकिंग में यूज होता है। लेकिन अभी निर्वाचन क्षेत्र में जो है, निर्वाचित क्षेत्र में एक ऐप जो है लॉन्च किया गया है, नो योर कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट ऐप जो है लॉन्च किया गया है। इसका जो है, इसके माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े उम्मीदवार का जो है आपराधिक रिकॉर्ड पता कर सकता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। और उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और टेलीविजन पर 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना जो है आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में शुरू हुआ है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का आयोजन 18 से 23 मार्च 2024 तक किया जाएगा। इस खेल आयोजन में उत्तर पूर्व के सभी राज्य हिस्सा लेंगे और यह पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। भारत में पूर्वोत्तर खेलों का पहला आयोजन जो है 2018 में हुआ था। हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 का खिताब किसने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है मुंबई ने विदर्भ को हराकर। और SSV जायसवाल और सदरलैंड को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, यशस्वी जायसवाल। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने WPF यानी कि BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है इन्होंने। और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। और खेलो इंडिया पदक विजेता अब जो है सरकारी नौकरियों के लिए पात्र माने जाएंगे, यह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साई प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विनय कुमार देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। तो किस देश के नए राजदूत बनाए गए हैं विनय कुमार को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के। भारत के विनय कुमार को जो है रूस के लिए देश का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। और विनय कुमार अब तक म्यांमार में जो है भारत के एम्बेसडर थे और रूस के राजदूत के रूप में वे जो है पवन कपूर का स्थान लेने वाले हैं। विनय कुमार 2018 से 20 तक अफगानिस्तान के भारतीय डिप्लोमेट के तौर पर जो है काम कर चुके हैं और भारतीय विदेश सेवा IFS के 1992 बैच के अधिकारी हैं। रूस की हम बात कर रहे हैं, रूस की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिस्टिन है और मुद्रा है रूबल। रूसी संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में जो नियुक्त किए गए हैं राजदूत के लिस्ट, ठीक है, यानी कि कौन कौन से देश में अभी हाल ही में राजदूत जो है नियुक्त किए गए हैं। तो तुर्कमेनिस्तान जो है में मधुमिता हजारिका जो है राजदूत के पद पर नियुक्त हुई है। अंगोला विधु पी नारायण को नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में अंगोला में। और चेक गणराज्य में के लिए जो है रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। डेनमार्क में जो है मनीष प्रभात को नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। और ग्रेनेडा और डोमिनिका में प्रदीप राज पुरोहित को नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। फिनलैंड में जो है हेमंत एच कोटलवार को नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान में स्मिता पत को नियुक्त किया गया है। और बुरुंडी में उपेंद्र सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। गिनी में जो है बिसाउ दिनकर अस्थाना को जो है नियुक्त किया गया है।
और मोजाम्बिक में जो है रॉबर्ट सेट किंगटोंग को नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। तो ये थे कुछ हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूत के लिस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पी राधाकृष्णन। पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल जो थे उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है, उनके जगह पर सी पी राधाकृष्णन को जो है अभी नियुक्ति दे दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है दे दी गई है। इससे पहले तमिलिसाई सुंदरराजन, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, वे जो है तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रही थी, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उनके जगह पर अब कौन रहेंगे? झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी इस कार्यभार को संभालने वाले हैं। सीपी राधाकृष्णन 2023 से झारखंड के 10वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। राधाकृष्णन 2016 से 19 तक अखिल भारतीय कार बॉर्डर के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल ने। नेपाल की सरकार ने पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाने का फैसला लिया है और पर्यटन राजधानी घोषित करने से पोखरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचानने योग्य ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो यह जो है आप थोड़ा सा जो है एक पार्ट देख सकते हैं पोखरा का, ठीक है। नेपाल के बारे में हम जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है और मुद्रा है नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। हम बात करते हैं नेपाल से लगने वाले राज्यों की सीमाओं के बारे में। तो कौन कौन से राज्य की सीमा जो है नेपाल के साथ साझा होती है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ठीक है। तो ये जो सीमा है और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन देशों के, इन राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल के साथ साझा करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। हर साल दुनिया भर में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य है खुश रहना और अपने जीवन में खुशी के महत्व को अहमियत देना। और पहली बार यह दिवस जो है 2013 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया गया था। थीम जो है 2024 की रखी गई थी, क्या रखी गई थी? खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण करना। तो 20 तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे के साथ जो है और भी जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है हर साल और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। तो यह भी जो है याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं AI गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल डीप माइंड के द्वारा जो है लॉन्च की गई है गेमिंग एजेंट सीमा। गूगल डीप माइंड ने अपना नवीनतम जो है AI गेमिंग एजेंट सीमा लॉन्च किया है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सीमा जो है वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिजाइन किया गया है। और साथ ही हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित करंट अफेयर के बारे में। तो भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर जो है लीसा है, ठीक है, जिसका नाम लीसा रखा गया है और ओडिशा TV के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है शांतिगिरी विद्या भवन रखा गया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर आइरिस, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर को केरल के जो है KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्य करती है आइरिस, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर को, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एडिशनल जीके। निशानेबाज अखिल सियोराण और अनीस भानवाला ने पोलिस जीपी में कौन सा मेडल जीता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, निशानेबाज अखिल सियोराण और अनीस भानवाला ने पोलिस ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। पोलिस ग्रांड प्रिक्स का आयोजन पोलैंड में किया गया है। भारतीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजों ने पोलिस ग्रांड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक सहित 6 पदक जीते हैं। अखिल सियोराण और ने जो है पुरुषों की 25 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में 468.4 अंकों का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पोलिस ग्रांड प्रिक्स में भारत के अन्य पदक की भी जो है अन्य पदक विजेताओं के बारे में भी हम जान लेते हैं। आशी चौकसी रजत पदक विजेता है और श्रियंका सदांगी कांस्य पदक उन्होंने जीता है और नीरज कुमार ने 2 कांस्य पदक जीता है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएम कृष्णा को चुना गया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। तमिले साई सौंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमित ये 2024 भारत और किस देश के बीच किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं बार। चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी को घोषित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा वर्मा को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में शुरू हुई है। पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में किया गया है। केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेफाली शरण को जो है नियुक्त किया गया है। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे सभी राज्यों के राज्यपाल के नाम, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नजीर हैं राज्यपाल और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं और असम के राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया जी हैं और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलिंगकर, झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और जो कि अभी तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं, ठीक है, और राष्ट्र यानी कि छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी, गोवा के राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई जी, गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बेस, मणिपुर के राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके और मेघालय की राज्यपाल हैं फागु चौहान, मिजोरम के राज्यपाल हैं डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू जी और नागालैंड के
राज्यपाल है ला गणेशन, ओडिशा के राज्यपाल है रघुवर दास, पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, सिक्किम के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर एन रवि और तेलंगाना के राज्यपाल हैं सी पी राधाकृष्णन जो कि अतिरिक्त प्रभारी हैं और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं डॉक्टर सी वी आनंद बोस। तो ये थे भारत के राज्यों के राज्यपालों की लिस्ट। तो आशा करती हूँ आज का जो सेशन है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।